ठीक है, तो मैंने इसको जंक शॉप में देखा, ब्रिटपोर्ट में। क्या थी वो? रोल टॉप डेस्क। तो सिंपल सा आंसर इसका बन जाता है, द ऑथर फाउंड रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप। ठीक है, आधा हम लोग क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेंगे, द ऑथर फाइंड का फाउंड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन में से डिड हटाएंगे तो हम लोगों को आंसर में सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। डिड हटाएंगे तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा, फाइंड का फाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, द ऑथर फाउंड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, ये सिंपल सा एक लाइन का आंसर। ठीक है, तो ये लिख देंगे, बाकी मैंने दो आंसर लिखे हैं इसके। तो मैंने पहला आंसर लिखा है, देखते हैं, जो पहला आंसर है वो है द ऑथर फाउंड एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ठीक है, द ऑथर फाउंड एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ठीक है, ऑथर को एक पुरानी रोल टॉप डेस्क मिली एक जंक शॉप में। ठीक है, अब दूसरा आंसर मैंने ये लिखा है, जिनको बड़ा आंसर चाहिए वो ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, द ऑथर फाउंड 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क विच वॉज पुट अप फॉर सेल इन अ जंक शॉप। ऑथर को एक 19वीं शताब्दी की रोल टॉप डेस्क मिली जो कि एक जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में सेल पर थी। ठीक है, सेल पर थी। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं उसी के, वाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो उसको जो सीक्रेट ड्रॉअर था रोल टॉप डेस्क में, तो उसमें क्या मिला और तुमको क्या लगता है किसने वो डाला होगा, किसने वो वहाँ पर डाला होगा। तो ये रहा यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, आई न्यू एज आई डिड ओपन द बॉक्स जिम्स लास्ट लड़ियरा आई रीच इन देर वॉज समथिंग इन देयर ये रहा There was something in there. I reached and took out a small black tin box. Small black tin box. ठीक है, small black tin box and returned shaky and dirty. तो क्या था एक तरह से, वो था small black tin box, था छोटा टिन का डब्बा था, और returned in shaky hand writing. Jim's last letter received January 25, 1915. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लिखा है मैंने भी, तो देख लेते हैं अपना आंसर। There was a black tin box which had a piece of lined newspaper. There was a note, newspaper नहीं था शायद, से पेपर था, आई डोंट नो, देख लेंगे। There was a note written on it, Jim's last letter received January 25, 1915. ठीक है, तो अपन ने सिंपल से लिखा है कि वहाँ पर एक ब्लैक टिन बॉक्स था जिसके ऊपर लाइन न्यूज़पेपर था, उस पर लिखा हुआ था जो नोट था, उस पर लिखा था जिम का लास्ट लेटर रिसीव प्राप्त किया January 25, 1915 में। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला तो ये था कि जिम को सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला, तो उसका आंसर हम लोगों ने कर दिया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तो तुमको क्या लगता है किसने रखा होगा। तो जो डू यू थिंक है ना, इसको तुम लोग हटा दो, डू यू थिंक का हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। हु हैड पुट इट इन देयर, ये मेन क्वेश्चन है कि किसने वो वहाँ पर रखा होगा। डू यू थिंक का मतलब होता है क्या तुम सोचते हो, तो तुम तो सोचते हो यार, है ना, इसको हटाओ। नॉर्मल सो क्वेश्चन हमारा है, हु हैड पुट इट इन देयर, किसने वो वहाँ पर रखा होगा। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, इट सीम्स द लेटर वॉज पुट इन साइड बाय मिसेज जिम मैकफर्सन, कि ऐसा लगता है कि लेटर वहाँ पर मिसेज जिम मैकफर्सन ने रखा था। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंप्रिहेंशन चेक कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 14 वाले कंप्रिहेंशन चेक को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैड रिटन द लेटर टू हूम एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। ठीक है, हु हैड किसने लिखा, टू हूम का मतलब है किसको, ठीक है, एंड व्हेन किस कब। ठीक है,
तो अब देखते हैं आंसर इसका। कैप्टन जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी ऑन 26 दिसंबर 1914। कैप्टन जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था, और ये लिखा था उनकी वाइफ को कॉनी को, और इसका कब लिखा था ये उन्होंने लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला आंसर रेडी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। व्हाई वाज द लेटर रिटर्न, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटर्न, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। लेटर क्यों लिखा गया था, कौन सी आश्चर्यजनक बात थी, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, जो कि घटित हुई थी, जो कि हुई थी वहाँ पर। तो क्या हुआ था कि कुछ सोल्जर जो जर्मन सोल्जर थे वो क्रिसमस मनाने लगे थे और मिलकर फुटबॉल मैच खेलने लगे थे। ठीक है, तो यही आंसर मैंने लिखा है इसका। द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हैपेंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस एट द बैटल फील्ड। ये लेटर जो लिखा था वो लिखा गया था उस दिन के बारे में बताने के लिए, जो कि उस बात के लिए बताने के लिए कि जो उस घटना के बारे में बताने के लिए जो कि क्रिसमस के दिन हुई थी वो बैटल फील्ड मतलब जहाँ पे जंग लड़ी जाती है, युद्ध के मैदान जो होता है वहाँ पर। द टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन सेलिब्रेटेड क्रिसमस। जो दोनों आर्मी थी ब्रिटिश की और जर्मन की, उन लोगों ने क्रिसमस मनाया एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच, और एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी खेला, एक फुटबॉल मैच भी उन्होंने खेला। तो ये बात बताने के लिए वो लेटर लिखा गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, What job did Hans Wolff and Jim McPherson have when they were not soldiers? कि भाई जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ क्या काम करते थे जब वो कैप्टन नहीं थे, आर्मी में नहीं थे उससे पहले, वो लोग क्या काम करते थे। तो हम लोगों को साफ साफ बताया हुआ है ये कि जिम मैकफर्सन और वो क्या काम करते थे, है ना। एक तो जिम तो टीचर था, और वो हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में शैलो बजाता था, है ना, बताया हुआ है, ये लिखा है यहाँ पर। एंड आई एम ए स्कूल टीचर इन डॉर्सेट, फ्रॉम डॉर्सेट, और इससे पहले वाला ये रहा। वेट अ सेकंड, ये रहा। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो दोनों आंसर ये सेम है, यही लिखा है मैंने भी, सिंपल सा, तुम लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। ये रहा, हैंस वुल्फ यूज्ड टू प्ले द चेलो इन द इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन वाज अ स्कूल टीचर। सिंपल सा आंसर है, तुम लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, हटाते इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Had Hans Wolff ever been to Dorset? Why did he say he knew it? भाई Hans Wolff कभी Dorset गया था, और ऐसा उसने क्यों कहा कि वो उसको जानता है, Dorset को जानता है अच्छे से। तो इसमें फिर दो क्वेश्चन आ गए, तो हम लोगों को दो आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। No, ये रहा आंसर। No, Hans Wolff had never been to Dorset. नहीं, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गया। अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख करिए करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, तो दो ही आंसर होंगे। ही लर्न अबाउट डॉर्सेट फ्रॉम स्कूल एंड रेड सेवरल इंग्लिश बुक्स। उन्होंने क्यों कहा कि वो जानते, क्योंकि उन्होंने डॉर्सेट के बारे में कई स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में सीखा था, डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था, और उन्होंने काफ़ी इंग्लिश की किताबें भी पढ़ी हैं। ठीक है,
ये तो इसका आंसर हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है जो लास्ट है वो देखते हैं। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? कि तुमको क्या लगता है जिम मैकफर्सन कभी वॉर से आए होंगे, कभी युद्ध से वापस आए होंगे, तुमको ये कैसे पता? तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है देखते हैं। नो, जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वॉर। परहैप्स ड्यू टू हिज दिस रीजन हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड ऑल ऑफ हिज लेटर्स केयरफुली। नहीं, जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से, कभी वॉर से वापस नहीं आए, जंग से वापस नहीं आए। शायद इसी वजह से कॉनी ने उनके जितने भी लेटर्स हैं सारे संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेटर संभाल के रखने वाला जो कारण है ना, रीज़न है, ये बता देता है कि जिम कभी लेटर कभी वापस आए नहीं युद्ध से। ठीक है, बाकी जो कॉम्पिटिशन जाके हम लोग कल करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग बाकी कॉम्पिटिशन चेक कल करते हैं। थैंक यू।